नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बड़े शहरों से दरभंगा पहुंचने के मुकाबले राजधानी पहुंचना है ज्यादा सस्ता। आज से दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की सेवा शुरू हो गई है, जिसके बाद बिहार की धरती से सीधे दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है, जिसका इंतजार ना जाने कब से मिथिलांचल वासियों को था, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एक बार विमानों की सेवा शुरू हो गई, वैसे ही दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भी दरभंगा पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। पहले इन लोगों को हवाई मार्ग से सफर करने के लिए राजधानी पटना आना पड़ता था, मगर अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सेवा की शुरुआत होने से यात्रियों का 4 से 5 घंटे का समय भी बचेगा। हालांकि सफर करने वालों की जेब थोड़ी ढीली होने वाली है। दिवाली और छठ में दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 4,000 रुपए तक अधिक और मुंबई से दरभंगा सीधे आने के लिए 10,000 तक खर्च करने होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के समापन के बाद अब सुरक्षा बलों की वापसी हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिया गया है, जिसके बाद अलग अलग राज्यों से चुनाव देखरेख करने आए सुरक्षा बलों की वापसी होने लगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के सफलतापूर्वक समापन के लिए कुल मिलाकर बिहार को 1200 कंपनियां भेजी गई थी। इनमें से 1122 कंपनियों की वापसी तुरंत हो रही है। वहीं सुरक्षा बलों की 78 कंपनियां अभी बिहार में ही रुकने वाली है। इनमें CISF की 19 कंपनियां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात की गई है। मतगणना संपन्न होने के बाद ही इनकी वापसी होगी। मिली जानकारी के अनुसार स्ट्रांग रूम में तैनात कर्मियों को 10 तारीख तक रोका गया है। इन कंपनियों को बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए ही रोका गया है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव के दौरान बिहार को इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की कंपनी मिली है। एकमात्र एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिल रही है जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा करवा लिया गया है। हालांकि इस बार के एग्जिट पोल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 15 साल के बाद बिहार में सत्ताधारी नीतीश सरकार लगातार यही दावा करती आई है कि एक बार फिर से उनकी ही सरकार बनेगी, मगर एग्जिट पोल में आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत को सुनिश्चित किया, बाकी सभी एग्जिट पोल में तेजस्वी को बढ़त मिलने की उम्मीद जताई गई है। दैनिक भास्कर द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलने वाली है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो बिहार में NDA के पक्ष में कुल मिलाकर 120 से 127 सीटों के बीच में मिलते दिखाई दे रही है। हालांकि पोल में यह भी कहा गया है कि राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जिसके नतीजे नीतीश कुमार को मिलने वाली सीटों के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल में भाजपा को ज्यादा सीट मिलने का अनुमान भी लगाया गया है। एग्जिट पोल पर महागठबंधन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। एग्जिट पोल के आने के बाद जहां बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है, वहीं पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन जारी किए गए एग्जिट पोल पर महागठबंधन की तरफ से प्रतिक्रिया साझा की गई है। राजद के राज्यसभा सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन बिहार के जनादेश स्पष्ट कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। लोगों ने बिहार को सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकालने और नया बिहार गढ़ने के लिए सबसे बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव को माना है। उन्होंने कहा कि समूचे बिहार ने युवा चेहरे के पक्ष में वोट किया है। वहीं कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम मतगणना के बाद आएंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जदयू ने एग्जिट पोल को बताया गलत। बीते दिन चुनाव के खत्म होते ही एग्जिट पोल को जारी किया गया था, जिसमें एनडीए को हार मिल रही है। वहीं महागठबंधन की ओर जीत दिलवाया गया है, जिसके बाद अब जदयू ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। साथ ही जारी किए गए एग्जिट पोल को भी गलत बताया है, जिसके बाद प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वास्तविक परिणाम के लिए 2 और दिन का इंतजार कीजिए। पार्टी के साथियों कार्यकर्ताओं से मिला हमारा जो फीडबैक है, उसके मुताबिक एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। इतना ही नहीं, शनिवार की शाम मतदान की समाप्ति पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने मतदान में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए बिहार की जनता को बधाई भी दी। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ साथ रिजल्ट के पूर्वानुमान पर पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर वोट दिया है। जनता ने अपने मतों का जो प्रकटीकरण किया है, उसका फलाफल 10 नवंबर को मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट। दरभंगा में आज से विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सुबह स्पाइसजेट का विमान 11:10 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद आज से यात्री उड़ान सेवा का लाभ ले सकेंगे। वहीं दिवाली छठ में घर आने वालों को बड़ी सौगात मिली है। मिली जानकारी के अनुसार नवनिर्मित एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक के साथ साथ पटना एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश नेगी और स्पाइसजेट के वरीय अधिकारी दरभंगा में मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज से दरभंगा से
दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की उड़ानें शुरू हुई है। वहीं 20 सितंबर से ही उड़ान के लिए बुकिंग शुरू करवा दी गई थी। स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी के लिए दोनों गठबंधन के विशेष कार्यकर्ता रहेंगे तैनात। स्ट्रांग रूम के में बंद ईवीएम पर निगरानी के लिए दोनों गठबंधन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत एनडीए के घटक दल जिसमें जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम शामिल है, उनकी तरफ से विशेष कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। तैनात किए जाने वाले लोग पूरे रात जागेंगे। इस तरह स्ट्रांग रूम से बाहर करीब 60 घंटे खासतौर पर विपक्षी दल नजर रखेंगे। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन ईवीएम के साथ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। उनके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 7 लोगों को स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द रहने को कहा गया है। यह लोग रात भर जागकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले हैं। स्ट्रांग रूम में कितने लोग अंदर जाएंगे और कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर निकल रहा है, इसके बारे में यह जानकारी जुटाएंगे। और साथ ही राजद और उनके सहयोगी दलों की तरफ से तैनात किए गए सभी लोग शिफ्ट में काम करेंगे। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के आसपास हो रही गतिविधियों के मुताबिक कार्यकर्ता प्रत्येक जिला मुख्यालय पर तैनात किए गए हैं। यह लोग अपनी अपनी पार्टियों के आलाकमान को सूचित करेंगे। कहलगांव एनटीपीसी का टूटा तटबंध। भागलपुर कहलगांव के 3D ऐश डाइक का तटबंध टूट गया, जिसके कारण एनटीपीसी के 7 यूनिट में 4 को बंद करना पड़ गया है। इतना ही नहीं, 1420 मेगावाट का उत्पादन भी ठप हो गया है। हालांकि एक यूनिट पहले से ही बंद था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कहलगांव एनटीपीसी से 2340 मेगावाट बिजली उत्पादन का क्षमता है, लेकिन तटबंध टूटने के कारण अब मात्र 2 यूनिट ही काम कर रहा है, जिसमें 269 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनटीपीसी के बांध टूटने के कारण किसानों को भी नुकसान हुआ है। करीब 200 एकड़ खेतों में राख युक्त पानी घुस गया है, जिसके कारण किसानों का मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी यूनिट से निकलने वाले राख युक्त पानी को इसी डाइक बांध में स्टोर किया जा रहा था। जो बिडेन ने यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में मारी बाजी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले से हरा दिया है। जीत के बाद उन्होंने अपने गृह राज्य डेलावेयर में वेलिंगटन में लोगों को संबोधित भी किया। बिडेन ने अपने जीत को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बिडेन को अब तक 7.4 करोड़ वोट मिल चुके हैं। इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति को इतने ज्यादा वोट नहीं मिले थे। एरिजोना में बिडेन के पास 20,000 से ज्यादा वोट की बढ़त है। जॉर्जिया में वो 7,000 की वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने कहा कि बतौर राष्ट्रपति वो ब्लू या रेड स्टेट नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट किया था, उनकी निराशा को समझता हूं, अब एक दूसरे को मौका देते हैं। अर्णब गोस्वामी के मामले में उद्धव ठाकरे और 50 पुलिसकर्मियों पर बिहार में दर्ज हुआ मामला। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को सलाखों के पीछे बंद करने के मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में उद्धव ठाकरे सहित 50 पुलिसकर्मियों पर परिवाद पत्र दायर कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इन सभी परिवाद पत्र दायर करने वाले मुजफ्फरपुर जिले के पताही गांव के कुंदन कुमार है, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल बसंत राव देशमुख, महाराष्ट्र के रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक, अलीबाग थाना के थाना अध्यक्ष और अज्ञात 50 पुलिसकर्मियों का नाम दिया गया है। कुंदन कुमार के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया है, कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा। इसके बाद 12 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। दायर किए गए याचिका में कहा गया है कि वो 4 नवंबर को टीवी चैनल का प्रसारण देख रहे थे। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दुश्मनी साधने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को हिरासत में लिया गया है। उन पर इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुद की जान लेने के लिए उकसाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया, जबकि यह मामला पहले समाप्त हो चुका था। इतना ही नहीं, हिरासत में लेने के दौरान अर्णब गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो बेहद ही निंदनीय है। लालू यादव की तबियत बिगड़ी। चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव ने शनिवार को तबियत खराब होने के कारण किसी से भी मुलाकात नहीं की। हालांकि शनिवार को अक्सर लालू यादव से मिलने वालों की लंबी कतार देखने को मिलती है, मगर बीते शनिवार नजारा कुछ और ही दिखा। उनके स्वास्थ्य की देखरेख में लगे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आरसीबी को हराकर क्वालिफायर के दूसरे मैच में आज भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में फाइनल के दूसरे दावेदार भी जल्द ही मिल जाएंगे। आरसीबी के साथ खेले गए मैच में सनराइजर हैदराबाद को जीत मिलने के बाद सनराइजर हैदराबाद अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ दूसरे क्वालिफायर में आज भिड़ने वाली है। हालांकि यह मैच सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए निर्णायक मैच होगा, क्योंकि इसी मैच में यह पता चल जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाने के लिए क्वालिफाई होती है। आपको बता दें, बीते दिन खेले गए मैच में आरसीबी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर नहीं बोला, वहीं एबी डिविलियर्स किसी तरह 50 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ दिनों पहले खेला गया मुकाबला काफी दिलचस्प भी था। इसके बाद दूसरा क्वालिफायर आज खेला जाएगा, जहां दिल्ली और सनराइजर हैदराबाद दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर हुए जमकर ट्रोल। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपना एक फोटो शेयर किया था, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन की फोटो शेयर करते हुए उसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था, एक बात तो तय है कि दुनिया में लोगों के पास फुर्सत बहुत है। इस पर एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, लोगों
कि उसी फुर्सत का तो फायदा अपनी पूरी जिंदगी भर उठाया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि तभी तो आप लोगों का धंधा चलता है, वरना क्यों कोई अपने पैसे और समय खर्च करके आपकी फिल्म देखने जाएगा। और हाँ, आप लोग जो आज रईस बने हैं उसमें हमारी फुर्सत की ही देन है। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन आए दिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, जो हर दिन अपने फैंस के साथ कुछ ना कुछ शेयर जरूर करते रहते हैं। भारत में फिर मिले 45,000 से ज्यादा मामले। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते दिन के 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 45,674 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 85,07,754 पर पहुंच गई है। वहीं एक दिन के अंदर 559 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,26,121 पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,12,665 पर पहुंच गई है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो अब तक कुल मिलाकर 78,68,968 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।